आपको मालूम लेके जाकर इस पड़ा खड़ा से आपका क्या दिक्कत हो गई हमसे? अरे आपकी शिकायतों पर शिकायत आ रही है आजकल। 16 शिकायत की 18 रिपोर्ट आप पूछिए इसका। 16 शिकायत आपने तो काफी परेशान करते आजकल, हंगामा खड़ा करके आजकल आपने। दोस्तों अभी माँ की डोली पहुँच चुकी है, होशंगाबाद में, और अभी यहाँ से डोली जाने वाली है घाट में, जहाँ पे किसान की आरती होने वाली है। इनको ले चलते हैं आरती पे और दिखाते हैं नर्मदा मैया की आरती। यहाँ से डोली की विदाई हो चुकी है और अब डोली जा रही है यहाँ से जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए। कभी चलते हैं, फिर मिलेंगे हम आपको। लगाया झाड़ू गाड़ी की पूरी सफाई की आज बार आई। तो दोस्तों जो कल का स्टे था वो था हमारा वृंदावन में, और सुबह हम वृंदावन से निकल चुके थे 6 बजे और अभी 11:30 हो चुका है। आपको मालूम लेके जाकर इस पड़ा खड़ा से आपका सगर आपके कहने में लगन का सगर का पकड़ के चला मिला उसे घूम सकर। हमारा डिपार्टमेंट सबसे खतरनाक होता है, शरीफों को अंदर करता हूँ, बदमाशों का बाहर छोड़ देता हूँ, भाई सब और सका 2-4 गाड़ी भेज दो आपके लिए। आगरा बैंक जा रहा हूँ। क्या हो रहा? मैंने कहा कोई क्या दिक्कत हो गई हमसे? अरे आपकी शिकायतों पर शिकायत आ रही है आजकल। 16 शिकायत की 18 रिपोर्ट आप पूछिए इसका। 16 शिकायत आपने तो काफी परेशान करते हैं आजकल, हंगामा खड़ा करके आजकल आपने। आजकल आप भेज तो रोड पे आजकल आप लड़की को ज्यादा छेड़ कर आपका रगड़ के चलान बना दिया और 2-4 गाड़ी भेज दो आपने। आगरा बैंक, जापान बैंक, टंगाल बैंक, पोकट बैंक तक का भेज देता है, कोई कमी नहीं है सेठी भरी पड़कर। बैठने तो मारुति है, घूमने मवाजा के अभी हेलीकॉप्टर में चलाया था, गाड़ी बच्चे का टक्कर उठी हेलीकॉप्टर का पर्दा पास हो गया और भरी रुपया खुद नहीं पड़ा भाई साहब। तो दोस्तों फरीदाबाद से निकलने के बाद हम एक दिन रुके थे आपके वृंदावन में, और वृंदावन से निकलने के बाद 13 घंटे का सफर करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं। कौन सी जगह है छोटू ये? नर्मदापुरम में। और दोस्तों जो कल का जो प्रोग्राम है, हमने माता की डोली को स्नान करवाना है नर्मदापुरम में, और वहाँ पे जो सेठानी घाट है वहाँ पर कल माता का स्नान होगा और उसके बाद फिर हम वापस निकल जाएंगे देहरादून के लिए। तो आप वीडियो में बने रहे दोस्तों, ये पूरा सफ़र है तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा वीडियो दिखा नहीं पा रहा हूँ, बाकी जो भी क्लिप है वो आपको ऐड करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, आप वीडियो में बने रहे। और 28 और 29 तारीख को दोस्तों भव्य प्रोग्राम होने वाला है, तो वो ब्लॉग भी बिल्कुल भी मिस ना करें, बने रहे हमारे साथ। धूपदीपं च प्रदर्शयामि कीर्मुनुमा यथा यथा विद्यमानवस्तुं च समर्पयामि कीर्मुनुमा नमस्करोम्या हीर्मुनुमा भोदीपदीवरूपस्त्वं कर्म साक्षी अवनिकर्तु यावत् कर्म करिष्याहं तावदं प्रसन्नो वः करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिः
तरुण तिमल नीला ब्याल यज्ञोपवीति कर समय सप्रियामी विघ्न विच्छेद हेतु जय जय भटगुनाथ सिद्धा साधका नाम तेक्ष द्रष्ट महाकाया कलपांता धनुपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञादात्री भगवान्ति भगनाथ भैरवाय नमः भटगुनाथ भैरवाय नमः मां भगवती ज्योतिकायी की नमो नमः ध्यायी ध्यानम च समर्पयामि की नमो नमः अनया भगवती जगदम्बिकाय नमो नमः माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी देवो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिग्रहतां महापुष्पमाल्याणि च समर्पयामि की नमो नमः उमापति महादेव की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो माता की जय हो ओम नमः पार्वती हर हर महादेव मैया की डोली के साथ हम पहुंच चुके हैं सेठानी घाट पे और अभी यहाँ पे चल रही है नर्मदा मैया की आरती। तो अभी आपको ले चलते हैं आरती पे और दिखाते हैं नर्मदा मैया की आरती। ये देखे दोस्तों यहाँ पे चल रही है नर्मदा मैया की आरती।
दस्ता काला हो गया।